मासूम फरमाते हर शब हजार हा गुनहगार वादी बरहूत से आजाद हो जाते हैं। मासूम फरमाते हैं मोमिन जब शब जुमा आए तो ज्यादा से ज्यादा अपने मरहूमीन को याद किया करो। एक रिवायत में आए फरमाए जिनके वालदेन मरहूम हो गए फरमाए हर शब जुमा तुम्हारी बूढ़ी माँ तुम्हारे दर पे आती है, तुम्हारा बूढ़ा बाप तुम्हारे घर पे आता है और क्या सवाल करने आती है, मेरे लाल मुझे कोई खैरात दो, मुझे कोई सवाब दो। मासूम फरमाते ये गाफिल इंसान पूरी रात सोता रहता है, ये खड़ी रहती है यहां तक कि सुबह हो जाती है। मलाइक कहते हैं अब जाने का वक्त है, कहती है नहीं अब उठेगा नमाज पे मुझे कुछ ना कुछ तो खैरात देगा। लेकिन फरमाते सूरज निकल जाता है, ये गफलत की नींद में सोता रहता है, ये बूढ़ी माँ और मरहूम रोता हुआ जाता है और कहती है कहे मेरे लाल अगर तू आज मुझे कुछ देता तो मैं भी तुम्हारे लिए दुआ करती। फरमाए वालिदैन वो वाहिद वजूद है परवरदिगार आलम ने जो बनाया है, मरने के बाद भी माँ की दुआ बेटे के हक में कबूल होती है। यहां तक फरमाए अगर परेशान हो मुसीबतों में हो माँ की कब्र पे चले जाओ, बाप के कब्र पे चले जाओ, वहां उसके लिए कुछ मांगो और दुआ करो खुदा उसके सदके में, क्योंकि मरने के बाद भी माँ बेटे की तकलीफ को देखना पसंद नहीं करती। तसव्वुर करो इस दुनिया में जिसको अल्लाह ने माँ बनाया वो हमारी तकलीफों को बर्दाश्त नहीं करती। और मौला अली फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे बाप से भी ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जनाबे सैयदा फरमाती हम तुम्हारी माओ से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करते हैं। शबे जुमा है, तौबा की रात है, गुनाहों से तौबा की रात है, अपने मरहूमीन के लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें और दिलों को बारगाह अहलबैत में ले जाएं ताकि खुदा इन हस्तियों के सदक़े में हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह बख्श दे।